साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानने वाले हैं फार्मूला टैब के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब की पूरी जानकारी दी। इसमें हमने आपको एक एक ऑप्शन के विषय में बताया जिससे आपका काम आसान हो पाए और अपने काम को आप जल्दी से और आसानी से कर पाए। तो आज हम फार्मूला टैब के विषय में जानेंगे। फार्मूला टैब के विषय में सबसे पहले तो अगर हम फार्मूला टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन आता है। ये फंक्शन होता क्या है, हम लोग कहते हैं फार्मूला, फार्मूला क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं ये जानेंगे। तो फार्मूला मतलब वह सूत्र जिसको आपको लिखना हो ऐसा सूत्र फार्मूला कहलाएगा, और फंक्शन मतलब बने बनाए जो फार्मूला होते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इंसर्ट फंक्शन होगा, इसका यूज करेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको डिटेल्स क्लियर हो पाए। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया नेम, एड्रेस, फीस, और अब यहाँ पे ऐसे ही हमने लिख दिया ए बी सी, ऐसे नाम लिख दिए, कोई भी नाम। नाम लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहां पे एड्रेस एंट्री कर लेते हैं अपने हिसाब से। जो भी आपका एड्रेस हो वो एड्रेस आप यहां पे एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद अब हम बात करते हैं फीस की। तो जैसे मान लीजिए 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, तो यहां पे हम फी की कुछ एंट्रीज कर देते हैं जिससे हम आपको कैसे इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे ये हम आपको क्लियर करके बता पाए। तो अब हम सबसे पहले तो यहां पे बात करेंगे कि कैसे इसको जोड़ना है या इंसर्ट फंक्शन का यूज इसमें कैसे करें। इंसर्ट फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स आएगा। यहां पर आपको सबसे पहले तो इंसर्ट फंक्शन में आपको मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ये जो लिखा हुआ है, यहां सिलेक्ट कैटेगरी में आप जाके एक्सेल में यूज होने वाले जितने फंक्शन है सबकी कैटेगरी को चुन सकते हैं। बट सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हम बाकी कैटेगरीज के विषय में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह से मोस्ट रिसेंटली कैटेगरी का यूज करके आप अपने काम को कर पाएंगे। तो मोस्ट रिसेंटली कैटेगरी का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली को यूज करना है। अब उसके बाद यहाँ पे पीएमटी फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज, इफ का और हाइपरलिंक, काउंट, ये सब कैसे यूज होंगे अगर आप इन फंक्शन को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहले तो हम यहां पे बात करेंगे जो एकदम कॉमन सा फंक्शन है वो है सम। सम का यूज कैसे करेंगे, तो सम पे क्लिक किया, ओके किया। अब हम जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए सेल एड्रेस ऑटोमेटिक यहां पे ले लिया है। अगर सेल एड्रेस नहीं लिया होता, फॉर एग्जाम्पल हमने सेल एड्रेस को डिलीट कर दिया, अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे फिर दूसरे वाले सेल पे आइए, ऑटोमेटिक यहां पे जो नंबर्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। आप जितना क्लिक करते चले जाएंगे उतने बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 255 तक ही जोड़ा जा सकता है, 255 ये सेल आएंगे। तो हम क्या, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा पहले वाले पे क्लिक करना है और ऊपर से क्लिक करके नीचे तक जहां तक आप रिजल्ट चाहते हैं वहां तक ड्रैग करके आप ओके करते हैं तो रिजल्ट आपके पेज में आ जाता है। तो इस तरह से हम सम का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके दूसरे फंक्शन की बात करें इंसर्ट फंक्शन में, वो है पीएमटी। पीएमटी का यूज क्यों करते हैं, पीएमटी अगर इसका फुल फॉर्म हम आपको बताएं तो ये होगा पेमेंट फंक्शन। पेमेंट फंक्शन होता क्या है, पेमेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जैसे आपने मान लीजिए लोन ले लिया। चलिए आज कैसे लोन की गणना होती है एक्सेल में वो हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपने जो लोन लिया, इंटरेस्ट अमाउंट कितना लिया आपने वो यहां पे हमने सेट कर लिया इंटरेस्ट अमाउंट। फिर उसके बाद या इंटरेस्ट अमाउंट की बजाय प्रिंसिपल अमाउंट लिख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया। फिर इंटरेस्ट रेट क्या था, फिर नंबर ऑफ मंथ कितने महीने के लिए आपने लिया, नंबर ऑफ मंथ। फिर मंथली पेमेंट कितना आपको देना होगा हर महीने। तो
हमने इतनी फील्ड बना ली। अब फील्ड बनाने के बाद यहाँ पे हम अगला काम करेंगे, जैसे हमने प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट कितना है, मान लीजिए अगर 7% का इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट रेट का नियम जो होता है वो ये होता है कि 100 से भाग हो जाता है, तो यहां पे हम 0.7 लिख देंगे, 7% है, 7% लिया, सॉरी 0.07 लिखेंगे क्योंकि 7% ये होगा। अब फिर उसके बाद नंबर ऑफ मंथ कितने महीने के लिए, मान लीजिए उस व्यक्ति ने 3 साल के लिए लिया, 3 साल का मतलब हो जाएगा 12 तिहाई 36 महीना, तो यहां पे हम 36 मंथ कर देते हैं। अब फिर हर महीने कितना पेमेंट देना होगा ये जानना है, तो आपको क्या करना होगा, इंसर्ट फंक्शन पे चलना है, पीएमटी को सिलेक्ट करना है, अब ओके कर देना है। अब यहां पे हमारे सामने पीएमटी का बॉक्स आ गया, रेट पर आप सबसे पहले इंटरेस्ट रेट सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे आपने इंटरेस्ट रेट लिख रखा है। अब ऑब्लिक लगा के 12 कर दीजिए क्योंकि इसे हर महीने इंटरेस्ट निकालना होगा इससे। तो अब हम उसके बाद एनपीईआर नंबर ऑफ मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और पीवी में प्रिंसिपल वैल्यू को सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करते हैं तो 15,438.55 रुपए आपको हर महीने पे करने होंगे, जिससे आपको कितने दिन में, 36 महीना में आपका 5 लाख रुपए पे हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं अमाउंट कितना बनता है तो 15,300 आप उसको अमाउंट को लिख लें, 15,438.55, अब फिर इसका गुणा कर दें इक्वल करके, कितना महीना है, 36 महीना, तो 36 महीना में आप टोटल जमा कितना किए हैं, गुणा करने के लिए एस्टिक लगाना होगा 5,55,778 रुपए। अगर आप पता करना चाहते हैं कि टोटल आपने कितना अभी तक एक्स्ट्रा दिया तो आप इक्वल करें, अब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकला उसमें और जो लोन आपने लिया था वो आप निकाल लीजिए माइनस करके, तो 55,787.80 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किया है। तो यहां से आप अपने बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं किस तरह से लोन की गणना करें पीएमटी फंक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब होता है औसत, औसत क्या है, जैसे इसमें से एवरेज संख्या ज्ञात करनी है, अभी इसमें हम कर देते हैं 10 और इसमें कर देते हैं 50, तो अब इसका एवरेज संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे एवरेज संख्या का नियम होता है कि सारी संख्याओं को जोड़कर फिर उसमें नंबर ऑफ संख्या से भाग देनी होगी, तो यहाँ पे हम एवरेज करेंगे, ओके करेंगे। अब सेल एड्रेस को चुनके जैसे ही आप ओके करेंगे ऑटोमेटिक एवरेज निकल के आ जाएगा कि क्या होगा, एवरेज होता है सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे फिर उसमें ये जितनी संख्या होगी उससे भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज होगा, यहाँ पे हमने एवरेज निकाल लिया, ये बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पीएमटी में बात करें इफ का, तो इफ एक लॉजिकल फार्मूला होता है, कैसे इफ का यूज करें ये भी हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे यहां पर आप निकालना चाहते हैं इफ फार्मूला, तो इफ फार्मूला यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके लिए हमें कुछ फील्ड यहां पे तैयार करनी होगी, वो फील्ड हम कैसे तैयार करें और कौन सी फील्ड तैयार करें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो को बिना स्किप किए लगातार वीडियो के साथ बने रहे। इफ फार्मूला का यूज करने के लिए हमें कुछ फील्ड्स बनानी होंगी, जैसे हमने यहाँ पे फील्ड बना ली है नेम एज वोटर ऑब्लिक नॉन वोटर। अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं इफ फार्मूला के द्वारा, तो हम करते हैं इक्वल इफ फिर ब्रैकेट ओपन और फिर जिससे हमें रिजल्ट चाहिए उसको सेलेक्ट करते हैं उस सेल को, फिर ग्रेटर देन अब कितना लगभग एज 17 से अधिक वाले 18 के ऊपर वाले 18 जितने हैं वो सभी जो है कॉमा फिर डबल कॉमा में हो जाए वोटर कॉमा बंद फिर कॉमा बाकी और सभी क्या हो जाए डबल कॉमा बंद नॉन वोटर और फिर ब्रेकआउट क्लोज ब्रेकआउट बंद
अब एंटर करेंगे तो ये वोटर वॉक हो गए। अब जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वोटर नॉन वोटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इफ फार्मूला इस तरीके से यूज किया जाए। हाइपरलिंक फार्मूला, हाइपरलिंक फार्मूला हम किसी विशेष लोकेशन को यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पे कोई नाम दे दिया और अब हमने कर दिया ओके। अब यहां पे आके जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये एक फार्मूला होता है जो हमें उस सेल उस सेल एड्रेस को सही से प्रॉपर ये कॉपी नहीं कर पाया था। तो जिस सेल एड्रेस तक हम जाना चाहते हैं हाइपरलिंक फार्मूला के द्वारा जा सकते हैं। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कि यहीं पे बात कर लें, इसी पे हमें जाना है। अब यहां पे हमने लिख दिया कुछ भी, ऐसे ही ABCD कुछ लिख दिया, ओके कर दिया। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हम उस सेल पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक फार्मूला है जो हाइपरलिंक में काम आएगा। दूसरा अगर हम बात करें यहां पे मैक्स और काउंट, काउंट इस तरीके से इसमें बहुत सारे फार्मूला, तो एक एक के विषय में हम आगे तो बताते ही रहेंगे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चीजें आपको डिफाइन करके बताएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको नॉलेज मिल पाया हो, वीडियो आपके लिए अगर अच्छा रहा हो, वीडियो आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने।